बहुत हुआ होम डेकोर की महंगी चीजों पर पैसे खर्च करना, अब दौर है DIYs का। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ राबिया और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मेरा पिछले डेकोर का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया था, वो DIYs आपको पसंद आए थे, तो आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी ऐसे बहुत सारे वीडियो शेयर करने की। तो आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसे DIY शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही कम बजट में आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। स्पेशली आप अपनी वॉल को कैसे डेकोरेट कर सकते हो और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स या पीसेस आप अपने घर पे कैसे बना सकते हो कम खर्चे में, वो सारी चीजें, वो सारे DIYs मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो इसको एक लाइक करके एटलीस्ट 50,000 लाइक्स तक पहुंचा देना और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना। फिलहाल हम शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो से, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में मैं जो DIYs आपके साथ में शेयर कर रही हूँ उसको आसान बनाने के लिए आधे से ज्यादा DIYs में मैंने यूज किया है स्प्रे पेंट्स का। स्प्रे पेंट्स बहुत ही आसानी से आपको आपकी नजदीकी हार्डवेयर स्टोर पे मिल जाएंगे और ये 180-190 रुपीस में इतनी बड़ी बॉटल आती है। इससे आप वैरायटीज ऑफ थिंग्स कर सकते हो अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, जिसमें से कुछ चीजें जो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि कैसे आप स्प्रे पेंट्स से आप अपने घर में पेंटिंग्स वगैरह बना सकते हो, जैसे कि आप कोई खुद आर्टिस्ट हो। इसके लिए आपको चाहिए एक कैनवस, ये कैनवस जिसपे हम नॉर्मली पेंटिंग करते हैं, ये आपको अमेजोन से मिल जाएगा 200-250 रुपए के अराउंड। अगर आप ये कैनवस का भी खर्चा बचाना चाहते हो तो इसको आप DIY करके कैसे बना सकते हो वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। लेकिन आप चाहो तो ऐसा पेंटिंग कैनवस यूज कर सकते हो। इसको पेंट करने के लिए आप स्प्रे पेंट का यूज कर सकते हो, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन फिलहाल मैं यूज कर रही हूँ एक्रिलिक कलर्स। ये एक बॉटल 20 रुपीज की आती है और एक बॉटल से आप ऐसे दो कैनवस को आराम से पेंट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ कैनवस यहाँ पे अलग अलग कलर से पेंट कर लिए। अब आपको कुछ ऐसी चीजें ढूंढनी है जिसका आपको शेप अच्छा लगता हो। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पत्तियां ली है, कुछ लीव्स लिए है जो मुझे अच्छी लगती है, और ये सारे अलग अलग शेप्स की है। तो ऐसे अलग अलग शेप्स की पत्तियां आप इकट्ठा कर लीजिए, इसको आप अपने कैनवस पे रख दीजिए, जो शेप या आप जो डिजाइन चाहते हो उस पैटर्न में इसको रख दीजिए। और फिर अब लीजिए अपना स्प्रे पेंट, जो कलर कॉम्बिनेशन आप चाहते हो वो आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने डार्क पिंक कलर का पेंट यूज किया, तो इसके ऊपर मैंने व्हाइट कलर का स्प्रे पेंट किया है। उसको सिर्फ कुछ सेकेंड्स लगते हैं सूखने के लिए। कुछ सेकेंड बाद आप अपने ऑब्जेक्ट्स को, यहाँ पे जो मैंने पत्तियां यूज की है उसको निकाल दीजिए, और ये हो गई आपकी पेंटिंग। सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक दूसरा कैनवस लिया जिसको मैंने ग्रीन कलर में पेंट किया है, और इसके ऊपर मैंने ये पाम ट्री की लीव्स रखी है। ग्रीन के ऊपर उसका कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए मैंने गोल्डन कलर का स्प्रे पेंट लिया है, और इसको मैंने अच्छे से स्प्रे कर दिया, और फिर मैंने निकाला और ये हो गई मेरी दूसरी पेंटिंग। सिमिलरली मैंने कैनवस को ब्लू कलर में पेंट किया, फिर ये वाली पत्तियां, इसका शेप मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको रखकर मैंने इस पे व्हाइट कलर का स्प्रे पेंट किया, कलर सिर्फ कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए। कुछ सेकेंड्स लगे इसको सूखने के लिए, और फिर ये पत्तियों को निकाल दीजिए, और ये हो गई आपकी तीसरी पेंटिंग। ये पत्तियां मुझे इतनी पसंद है कि इसका मैंने दो पेंटिंग बनाई है इस तरह से। रेड पे मैंने गोल्डन कलर का भी कॉम्बिनेशन दिया है। जब आप किसी स्टोर पे जाओगे सारी पेंटिंग्स लेने के लिए तो आपको कितनी महंगी पड़ेगी ये सारी चीजें, लेकिन आप इसको घर पे कितनी आसानी से बना सकते हो। इससे आपके पैसे भी बच जाएंगे, और अगर घर पे आप ये सब करोगे तो आपके हस्बैंड को लगेगा किसी आर्टिस्ट से उन्होंने शादी की है। मैंने यहाँ पे पत्तियां यानी कि लीव्स यूज की है उनका शेप लेने के लिए। आप कोई और ऑब्जेक्ट्स भी यूज कर सकते हो, जैसे आप फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसी फैब्रिक होती है, नेट की फैब्रिक मिलती है, जो बहुत ही आसानी से मिल जाती है। मैंने अगेन एक और एक कैनवस लिया है। अगर आपके पास कैनवस नहीं है तो डोंट वरी, इसको कैसे आप DIY कर सकते हो मैंने आगे बताया है। और मुझे ब्लैक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन चाहिए, इसलिए मैं बेस को पूरा ब्लैक करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आप ब्लैक कलर का एक्रिलिक कलर यूज कर सकते हो, लेकिन बेस्ट है कि आप कोई स्प्रे पेंट यूज करो। मिनटो का काम सेकंड्स में खत्म हो जाता है और आपकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए मैंने इसको ब्लैक कलर का बेस दे दिया है ब्लैक कलर के स्प्रे पेंट से। फिर उसके बाद इसको आप अपने कैनवस पे इस तरीके से टाइटली बांध दीजिए। मुझे ये वाली डिजाइन अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने ये नेट की फैब्रिक ली है। पीछे मैंने यहाँ पे इसको ग्लू से स्टिक कर लिया है ताकि मैं इसको बाद में निकाल सकूं। अब ये मेरा कैनवस रेडी हो गया। अब इसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर का स्प्रे पेंट लिया है, और इसको कम्प्लीटली आप बस आपको सिर्फ स्प्रे पेंट को इसी तरीके से स्प्रे करते रहना है। जो काम है वो ये नेट की फैब्रिक करेगी आपके लिए, आप देख लेना। इसको आप बस कम्प्लीटली स्प्रे कर दो, और इसको कुछ सेकेंड्स लगते हैं, 20-30 सेकेंड्स के लिए इसको सूखने दो, और उसके बाद आपने ये जो नेट की फैब्रिक इसके ऊपर लगाई थी वो निकाल दो। जो भी डिजाइन या जो भी पैटर्न होगा उस फैब्रिक का, वो कम्प्लीटली इसके ऊपर आ जाएगा। आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और आपका एक मास्टरपीस भी रेडी हो गया। इसको अगेन दीवार पे टांगने के लिए मैंने यहाँ पे चार लकड़ियों का इस तरीके से ब्लॉक बनाया। इसको अगेन फेविक्विक से या ग्लू गन से आप इसको स्टिक कर सकते हो। फिर एक हुक लगा के मैंने इसको अपने दीवार पे टांग दिया, और ये बहुत ही बेहतरीन लग रही थी। आप कोई मास्टरपीस की तरह आप इसको अपने घर पे कहीं पे कोई अच्छी वॉल पे आप इसको लगा सकते हो।
इसका लुक थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे ये एलईडी स्ट्रिप लाइट यूज़ की, जो मैंने पिछले वीडियो में यूज़ की थी आपको पता है, और ये और भी बेहतरीन लग रही थी। कितने सिंपल तरीके से सिर्फ स्प्रे पेंट और नेट की फैब्रिक को यूज़ करके हमने ये एक मास्टरपीस क्रिएट किया है। तो इस तरीके से आप अपने घर की वॉल को भी डेकोरेट कर सकते हो। स्प्रे पेंट को मैंने और भी तरीके से यूज़ किया है, वो मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल मैंने वॉल डेकोर के लिए और भी क्या क्या चीज़ें की है वो मैं आपको बताती हूँ। बेड के ऊपर मैंने पिछली बार एक ट्री लगाया था जो आप लोगों को बहुत पसंद है, और आप पूछते हो कि वो मैंने कहाँ से लिया है। वो मैंने होम स्टॉप से लिया था, 7,000 या 8,000 के अराउंड है वो। लेकिन अगर आप इतना खर्चा नहीं करना चाहते और बेड के ऊपर वाले एरिया को आप डेकोरेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो ये चीज़। इसके लिए आपको कुछ लकड़ी चाहिए जो आपको अगेन हार्डवेयर के स्टोर से या किसी लकड़ी की दुकान से मिल जाएगी। ये लकड़ी कुछ 5 या 6 रुपीज़ एक फुट मिलती है, और आपको ऐसी 10 से 15 फुट लकड़ियाँ लगेगी। अपने बेड के ऊपर का आपको मेजरमेंट लेना है, कितना साइज़ का आपको फ्रेम चाहिए, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ये 4 लकड़ियों को इस तरीके से जोड़ दिया। अगेन मैंने यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ किया है, नहीं है आपके पास तो फेविक्विक या एरल्डाइट का इस्तेमाल आप कर सकते हो और उसको जोड़ दीजिए। और ये रेडी हो गया आपका फ्रेम। अब इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, कोई अच्छा फैब्रिक लीजिए, कलरफुल लीजिए, जिसका डिज़ाइन जिसका कलर बहुत अच्छा हो दिखने में। ऐसे बहुत सारे आपको कपड़े मिल जाते हैं आसानी से सस्ते अच्छे से अच्छा बहुत सारे मिलते हैं। मैंने ये 50 रुपीज़ का 1 मीटर लिया है। ऐसे आपको बहुत सारे डिज़ाइंस और बहुत सारे प्रिंट्स मिल जाएंगे जो आपके बेडरूम के कलर कॉम्बिनेशन के साथ में जाए। ऐसी प्रिंट या ऐसी डिज़ाइन, ऐसे कलर्स आप सेलेक्ट करें और उसको आप ये फ्रेम के आसपास इस तरीके से रैप कर दीजिए या स्टिक कर लीजिए। मैं यहाँ पे सिंपल जो हमारे घर में स्टेपलर होता है वो स्टेपलर से इसको यहाँ पे मैं स्टेपल कर रही हूँ। इसको बस इस तरीके से लगा दीजिए। और मैंने पीछे यहाँ पे 4 ऐसी और लकड़ियाँ लगाई है। ये मैंने लगाया है यहाँ पे जो राइस लाइट्स होती है वो यहाँ पे आप इस तरीके से रैप कर दो ये लाइट्स को। बिना लाइट्स के भी एक शोपीस जैसा दिखेगा, और अगर आप लाइट ऑन करोगे तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। कितना सस्ते में, मतलब वो जो लकड़ियाँ है वो 50 रुपये के अराउंड आपको हो जाएगी, वो फैब्रिक आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। थोड़ी सी लाइट्स आपने लगा दी, बस आपका एक मास्टरपीस अगेन बन के रेडी है, जो आपके वॉल को आपके बेड के ऊपर वाले एरिया को अच्छे से डेकोरेट कर सकता है। सस्ता और टिकाऊ। जैसे मैंने लकड़ी का एक फ्रेम बनाया था उसी तरीके से मैंने एक दूसरा फ्रेम बनाया है, और इसके ऊपर मैंने एक कॉटन का इस तरीके से ऑफ वाइट या क्रीम कलर का मैंने एक कपड़ा है जिसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे लपेट लिया है, या ऑब्वियसली स्टेपल कर लिया है मैंने इसको यहाँ पे। और ये जो चीज़ है, ये जो बन के अभी रेडी हुई है, इसको आप जो मैंने स्टार्टिंग के जो स्प्रे पेंट्स यूज़ किए थे वहाँ पे आप इसको कैनवस की तरह यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ कुछ अलग तरीके से। मैंने यहाँ पे मेरे घर के आसपास कुछ सूखे झाड़ थे जिसकी टहनियाँ मैंने तोड़ ली है। फेविक्विक या ये सब यूज़ करने की जगह आप सुई धागे से इसको इस कपड़े को टाक सकते हो या स्टिच कर सकते हो ताकि ये अपनी जगह पे बने रहे इस तरीके से। और उसके बाद इसमें से कुछ टहनियाँ थी जो ऊपर आ रही थी, जो बहुत ही मतलब मुँह पर आ रही थी हमारे, तो इसलिए हमने इसको तोड़ दिया, और तोड़ के यहाँ पे उसको हमने ग्लू से उसको स्टिक कर लिया है। अगेन आप यहाँ पे फेविक्विक और एरल्डाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर मैंने कुछ एक्रिलिक कलर्स लिए हैं, आप यहाँ पे फैब्रिक के जो कलर्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। और फिर एक बोतल लेकर, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम पीते हैं उसकी बोतल लेकर, अपने मनपसंद कलर्स में इसको डिप करके इसको इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो फ्लावर्स या जो फूल होते हैं वो बनाने के लिए इन ब्रांचेस के अराउंड। ये बहुत ही पुराना तरीका है, लेकिन इसको आप नए सिरे से इस तरह से यूज़ कर सकते हो, अपने खुद के कैनवस पे, ब्रांचेस पे, इस तरीके से आप इसको लगाओगे तो ये बहुत ही अलग दिखेगा, खूबसूरत लगेगा। इस तरीके से मैंने 2 कलर्स के फ्लावर्स इस पर लगा दिए, और मेरे यहाँ पे कुछ बटरफ्लाई के स्टिकर्स तितलियाँ थी, ये आपको किसी भी आसानी से किसी स्टोर पे मिल जाएंगे बटरफ्लाई के स्टिकर्स, इसको मैंने कुछ यहाँ वहाँ लगा दिए, और अगेन ये एक मेरा वॉल डेकोर के लिए एक पीस रेडी हो गया। तो आप देख सकते हो कितना सिंपल है, कितनी घर की चीज़ों से आपके बन गया, कितना आसान है और कितना खूबसूरत भी लग रहा है। कभी कभी आपके पास फ्रेम्स होते हैं लेकिन उसके अंदर आपको क्या रखना है, कौन सी पेंटिंग रखनी है, कौन से फोटोज रखने हैं, क्या कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो जो कलर कॉम्बिनेशन या ये जो चीज़ें मैंने यूज़ की है, गेस करो ये क्या है। ये है मेरी मम्मी की साड़ी। यस, ये तीनों भी साड़ीज़ है मेरी मम्मी की, जो शिफॉन की साड़ीज़ होती है या चौड़ जो भी आप यूज़ करते हो। नहीं भी है तो आप कोई जो मार्केट होती है वहाँ से खरीद सकते हो। जो भी अच्छी प्रिंट डिज़ाइन या कलर्स है वो आप चूज़ कर सकते हो। और देखो मैंने ये भी जो यूज़ किया, ये भी फैब्रिक है, ये भी फैब्रिक है, ये भी फैब्रिक है। 30-40 रुपीज़ के अराउंड आपको आसानी से मिल जाएगा। इसको इस तरीके से मैंने फ्रेम में लगा दिया है, एंड दैट्स इट। ये हो गया अगेन मेरा एक DIY वॉल डेकोर।
तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट होम डेकोर के आइडियाज पे। अगर आपको कुछ डेकोरेटिव पीसेस चाहिए, जैसे मेरे पास ये एक हॉर्स है, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, मेटल का है और बहुत ही अच्छा है, इसकी फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी है, राइट। असल में ये है बच्चों का खिलौना जो आप किसी भी स्टोर से ले सकते हो। ये मैंने पूरा पैकेट जो आता है वो 200-250 के अराउंड आता है। मैंने तो बाकी का बच्चों को खेलने दे दिया, मुझे सिर्फ इसमें कैमल और हॉर्स अच्छे लगे तो मैंने वो लिया और मैंने इसको स्प्रे पेंट कर दिया, गोल्डन कलर का स्प्रे पेंट किया, क्योंकि ये थोड़ा सा फिर मेटालिक लुक देता है, थोड़ा सा रॉयल लगता है, गोल्ड का बना हुआ लगता है। और इसको मैंने स्प्रे पेंट करके जहाँ पे आपको प्लेस करना है उसको आप रख दीजिए। बिल्कुल कोई जज ही नहीं कर पाएगा कि ये बच्चों का खिलौना है, ये बिल्कुल रॉयल वाला मेटालिक पीस लगेगा, शो पीस लगेगा, जिसको आप कहीं पे भी डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो है ना एकदम सस्ता लेकिन फैंटास्टिक हैक। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। सिर्फ एक स्प्रे पेंट की बॉटल से भी आप अनगिनत चीज़ें पेंट कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आप और भी क्या क्या कर सकते हो। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि आपने पेंट कर लिया। अगर आपके पास ऐसी प्लास्टिक की बॉटल्स है, नहीं है तो ले लो, 10-15 रुपए की एक ऐसी प्लास्टिक की बॉटल्स आती है, जो सस्ती वाली होगी वही लेना। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी एक मास्किंग टेप की। मास्किंग टेप अगेन आपको हार्डवेयर स्टोर से मिल जाएगा, कुछ 10-15 रुपए का आता है, ये भी बहुत सारा होता है। और इसको आप वो एरिया जहाँ पे आप पेंट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि जब भी हम स्प्रे पेंट करते हो वो कम्प्लीटली पूरा स्प्रे कर देता है, तो कुछ एरिया जहाँ पे आप पेंट नहीं करना चाहते तो वो जगह पे आप मास्किंग टेप का यूज़ कर सकते हो। इसको भी आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो और अलग अलग मास्टरपीस क्रिएट कर सकते हो। इसके ऊपर भी आप चाहो तो मुझे कमेंट करना, मैं वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगी कैसे आप मास्किंग टेप और स्प्रे पेंट से अलग अलग चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। और फिर इसको मैंने स्प्रे पेंट किया, क्योंकि ये पिंक कलर था तो मैंने व्हाइट कलर का यूज़ किया है। सिमिलरली एक और बॉटल को मैंने इस तरीके से मास्किंग टेप से कवर किया है जहाँ पे मुझे कलर नहीं चाहिए, और फिर इसको मैंने गोल्डन कलर से स्प्रे पेंट किया है। और जब ये सूख जाए तब आप ये मास्किंग टेप निकाल दीजिए, जहाँ पे आपको पेंट चाहिए वहाँ होगा, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ नहीं होगा, और इस तरीके से आपका एक शो पीस अगेन रेडी हो जाएगा। और ये ऑरेंज कलर की बॉटल का भी मैंने इस तरीके से निकाल दिया, तो आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से आपका एक DIY वास रेडी हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी आप स्प्रे पेंट से कर सकते हो। अब आता है हमारा फाइनल हैक। इसके लिए हम बनाएंगे एक हैंगिंग लाइट। अगर आपको हैंगिंग लाइट वगैरह चाहिए और आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो आप यूज़ करो, ऐसी टोकरी मिलती है बाजार में, आपको ऐसी टोकरी आसानी से मिल जाएगी। ये मैंने कुछ 60 रुपीज़ की ये मैंने टोकरी ली है। एक्चुअली ये कलर भी बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सा एंटीक लगेगा अगर आप इसकी हैंगिंग लाइट बनाओगे, लेकिन और थोड़ा सा अलग लुक देने के लिए मैंने इसको गोल्डन कलर का, मेरे पास स्प्रे पेंट था तो मैंने उसको गोल्डन कलर में स्प्रे इसको कर दिया, पूरा पेंट कर दिया, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उसका टेक्स्चर मैंने रहने दिया, जो उसका पुराना वुडन का जो लुक था वो मैंने रहने दिया है। और इस तरीके से मैंने इसको कम्प्लीटली पेंट कर लिया और बीच में इस तरीके यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा छेद कर दिया, थोड़ा सा होल कर दिया मैंने। और उसके बाद में मैंने लिया एक वायर, ये आपको हार्डवेयर स्टोर से अगेन आसानी से मिल जाएगा, जिसके आगे इस तरीके का होल्डर होता है बल्ब के लिए, तो आपको ये रेडीमेड मिल जाता है, आप किसी भी हार्डवेयर स्टोर से चेक कर सकते हो। और उसके ऊपर का एक ऐसा कवर होता है, ये कवर को भी मैंने स्प्रे पेंट कर लिया है ताकि ये थोड़ा सा छुप जाए करके, मैंने इसको यहाँ पे स्प्रे पेंट कर लिया और इसको मैंने इसमें डाल दिया है। और ये होल के थ्रू सेम इस टोकरी में से मैं इसको पास ऑन कर रही हूँ। और ये एक बल्ब लिया है मैंने छोटा वाला, और इसको मैंने नीचे इस तरीके से इस बल्ब होल्डर में लगा दिया है, और जहाँ पे आप चाहते हो वहाँ पे इसको आप लगा दीजिए। और ये हो गई आपकी DIY और थोड़ी सी एंटिक सी हैंगिंग लाइट रेडी। कितना सिंपल है, आपने एक एंटिक वाली हैंगिंग लाइट भी बनाई और वो भी 100 रुपए के अंदर। तो यही होता है DIY का कमाल। कुछ चीज़ें आपको चाहिए और थोड़े से आइडियाज, चीज़ें आप लाओ, आइडियाज मैं दूंगी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका घर बनेगा एकदम झकास। तो ऐसे हैक्स के लिए इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। आपको कौन सा DIY अच्छा लगा वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना, और इसको पहुंचा देना एटलीस्ट 50,000 लाइक्स तक। और हाँ, मुझे पता है मेरे स्किन केयर की सीरीज की वीडियोस और स्किन केयर रूटीन और ग्लास स्किन और सनस्क्रीन के ऊपर वीडियो बाकी है, मैंने सारे शूट करके रखे, सब आपको 2-4 दिन के अंदर सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। फिर से नीचे कमेंट करके मुझे याद दिलाना नहीं, क्योंकि मुझे सब याद है, आपकी रिक्वेस्ट सारी सब कुछ याद है। फिलहाल मैं आपको बस इतना कह रही हूँ कि थोड़ा सा इतना वेट किया और थोड़ा सा वेट कर लो, इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना नहीं भूलना। मैं आपको मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में ऐसे बहुत सारे DIYs के साथ में। तब तक ले टेक केयर एंड बाय।